हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर आज बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही मॉर्निंग एंथम से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे किचन एरिया के अंदर आटे की प्रॉब्लम, हमेशा किचन में प्रॉब्लम आती रहती है। यहाँ पे आटा चाहिए था रोटी बनाने के लिए, जो साजिद खान के लिए जो घर का कैप्टन है। निमृत बोल रहे थे आटा दे दो, वहाँ पे अपना अर्चना हम आटा क्यों दें, वो अपना मतलब है, उनके मतलब हमारे अपने अर्चना आटा क्यों दें। निमृत वो समझा रही है वो राजा जी है, उनको देना चाहिए आटा, ये है वो है। वो उनके कमरे में लेके चल जाती है, वहाँ पे अंकित और वहाँ पे प्रियंका भी आटा नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम है, ये दो बार चार रोटी का आटा नहीं देंगे, दो रोटी का आटा देंगे। करते करते उनको चार रोटी का आटा देना पड़ गया, क्योंकि राजा बना हुआ है, कैप्टन है। तो यहाँ पे जो अपना अंकित था वो मान गया था भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस वाले राजा कहना मानना है, तो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद दूसरी साइड देखा गया, शालीन और अपना टीना बैठे हुए, वही अपना उनकी जो चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी दोस्ती है कभी प्यार है कभी कुछ है। वो लगा हुआ शालीन भी, तू जब एमसी स्टैंड से भी हक कर लेता है, कर लेती है, और अपना शालीन उसके यश शिफ्ट के साथ भी कर लेती है, तो भाई मुझे मतलब वो लगता नहीं है ये वो, कह रही मैं कोई मेरा अटेंशन नहीं है वो, ठीक है वो दोस्त है, एज ए फ्रेंड करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कल देखा गया था कि अपना जब मॉर्निंग एंथम होता उसके बाद टीना ने इन दोनों को हक किया था, तो शालीन को थोड़ी सी वहाँ पर नोट को वहाँ पर जेलसी हो रही थी, भाई तो उनको हक क्यों करती है। बस किचन एरिया में फिर वही चैप है, चैप है। अर्चना आपको पता ही है, वो अपने फॉर्म में आएगी और उससे आ गई फॉर्म में, वो अपना लगी हुई काम करने, अब सारा काम इनको करना पड़ रहा है, पूरे घर वालों का, अर्चना का और प्रियंका को खाना बनाना पड़ रहा है। तो बस प्रियंका मैं ये शेल्फ साफ करूंगी, मैं ये रोटी बना रही हूँ, वो कह रही मैं रोटी बनाऊंगी तू शेल्फ साफ कर। इसी चक्कर में सिर्फ इतने चक्कर में लड़ाई शुरू हो गई कि भाई तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, तू बिग बॉस घर में है तू हराम की मत खा। तेरे माँ बाप वो कहते मेरे बाप में मत जाते रहे, मैंने बोला मैं अरे मेरे माँ बाप नहीं कह रही तू हराम की मत खा, ये मत खा वो, मतलब अननेसेसरी से कहते हैं। अर्चना जब बोलना शुरू करती है वो देखती ही नहीं है मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ, फिर उन्हीं को बार बार रिपीट करती रहती है, मैं तो मानूंगी नहीं, अरे मैं दोस्ती एक अलग जगह है अपनी, अपना काम अपनी जगह है, ये है वो है, अननेसेसरी कल अर्चना और प्रियंका की अच्छी खासी ली। और वहाँ पर अंकित बैठा भी देखता रहा, अंकित भी अर्चना से डेर था, पर एक टाइम पर अंकित भी दुखी हो चुका था। यहाँ पे गौतम गौतम भी सब बीच में पड़ रहे हुए, क्या कर रही है अर्चना तू, एक चीज क्लियर मत, तू हमने तेरे कुछ तो शर्म कर ले, हमने तेरे को बचाया, तेरी साइड ली हो तो हमसे लड़ने लगी हुई है, करी मैं क्या करूँ फिर भाई, तो गेम अपनी जगह है, तुमने बचाया ठीक है बचाया मेरे को, पर वो कल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी वहां पे। बिग बॉस ने सबको गार्डन एरिया में इकट्ठा कर लिया। अब गार्डन एरिया के अंदर सारा सेट बना हुआ था, नॉमिनेशन टास्क स्टार्ट हो रहा था। बिग बॉस ने कहा मैंने पहले ही बता चुका हूँ भाई, जो अपना राजा जी हैं मींस साजिद और उसके जो पांच उसने लिए थे वो सारे सेफ हैं, और बाकी जो चार सदस्य थे शालीन अपना टीना गौतम अपना अर्चना प्रियंका और ये अपना सुंदर है, ये सारे के सारे नॉमिनेशन के अंदर है। अब जो नॉमिनेशन टास्क में क्या था कि वहाँ पे अलग अलग वो बना दी गई शीप के फॉर्म बना रखे थे, सबके अलग अलग नाम की भेड़ थी वहाँ पे, और एक भेड़िया था वहाँ पे। अब करना क्या था, जब भी भेड़िया की आवाज़ आएगी भाई इन सातों को डिसाइड करना है जो नॉमिनेशन के अंदर हैं कि कौन सा सदस्य जाएगा, वो कौन सा एक सदस्य क्या करेगा कि वहाँ से एक भेड़ उड़ाएगा और उसको भेड़े को खिला देगा, और वो सदस्य कमिटी टास्क से अपना सॉरी नॉमिनेशन टास्क से बाहर हो जाएगा। तो ये एक टास्क था जिसको परफॉर्म करना था वहाँ पे। बस वही टास्क जब स्टार्ट होता है तो आपस में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, अभी तू इसको करियो तू इसको करियो, मैं इसको कर दूंगा, मैं पहले जाता हूँ, मैं सेकंड नंबर पे जाता हूँ, मैं थर्ड नंबर पे जाता हूँ, पर वो था कि आपसी सहमति से बनाना था। फिर जब टास्क स्टार्ट हुआ पहला, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाहर सौंदर्य चलेगी, क्योंकि सौंदर्य बल्कि भी सौंदर्य जाएगी, सौंदर्य ने जाते ही सबसे पहले टीना को आउट कर दिया। बस उसके बाद बारी बारी एक एक करके जाते रहे, बेल बजती रही और अपना जाते रहे, भीड़ को उठा के फेंकते रहे। एंड में बिग बॉस ने बताया था जो बच जाएंगे सबसे अभी वो नॉमिनेशन में जीत जाएंगे। एंड के अंदर क्या हुआ कि जो प्रियंका थी वो अटक गई, भाई नहीं मैं ये नहीं, ये स्टेप ये नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो जो कहें यही जाएगा, अंकित ये जाएगा वो जाएगा, वो उसने वहाँ पे प्लानिंग कर दी। यहाँ पे गौतम और समझाते भी रहे भाई तू नहीं, हम तो ट्रस्ट करके थी, नहीं मैंने ट्रस्ट करके बहुत देख लिया, हमेशा अर्चना ट्रस्ट करके देख लिया, अर्चना पे ट्रस्ट किया था ना, अर्चना क्या कर रही है मेरे साथ, तो वो वहाँ पे एकदम जिसे कहते हैं अटक गई कि मैं नहीं जाऊँगी। हुआ वही, जाना दूसरे को पड़ा, और एंड में बिग बॉस ने वहीं पर उनको लगा था कि एक टास्क अभी और राउंड होगा, वो राउंड नहीं हुआ, बिग बॉस का ये राउंड यहीं पर खत्म होता है। एंड में जो चार सदस्य नॉमिनेशन अंदर आए वो आए अपना टीना अपना शालीन और गौतम और अपना सौंदर्य, ये चारों आज नॉमिनेशन में इस वीक में चले गए। बस अब टास्क खत्म हुआ था, यहाँ पे गौतम और सौंदर्य आ चुके थे, तो बस वो अंकित पे स्विच भड़क गए, अंकित और अपना प्रियंका के ऊपर, भाई तुमने ये किया, तुमने क्या किया, तुमने शालीन का साथ दिया, तुमने हमारा साथ क्यों नहीं, कहती मैं अर्चना के साथ क्यों दूं, अर्चना कितने से कह रही थी, अर्चना कहती मैं कुछ भी हूँ, अरे तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे बचाया है, टास्क तो मैं करूंगी ना, मैं तुम्हें कभी भी नॉमिनेशन में नहीं डालती, वैसे भी तुम कुछ से लड़ी हो, लड़ने का मतलब ये होगा कि मैं तुमसे तुम्हें कर दूंगी, पर अर्चना को मानने तैयार थी। गौतम क्या कहता, ठीक है भाई हम अपना अपना खेलेंगे, तुमने अपना देख लिया, तूने अंकित को सेव कर लिया और खुद भी सेव हो गई, हम दोनों चले गए सौंदर्य और मैं,
तो गौतम को यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई इसने अपनी गेम खेल के अंकित सेव कर लिया और मुझे सुंदर है नॉमिनेशन में डाल दिया। जो बैठे सुबह देख रहे थे कि मुझे तेरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तू शिव से हक करती है, तू से हक करती है, शाम को खुद हक करने लगे हुए थे। अब उसको पता लग गया कि मैं नॉमिनेशन में आ गई हूँ, नॉमिनेशन से पहले ट्रस्ट नहीं था, नॉमिनेशन बाद ट्रस्ट में आ गई। अब वो फिर लगे हुए, नहीं मैं तेरा केयर करता हूँ, कहता हूँ साजिद भी समझाने लगा हुआ था भाई ये बंदा कहीं ना कहीं तेरी केयर करता है, ये है वो है। अब उसे लगा भाई साजिद खान ने कह दिया है तो भाई ये लव ट्रैक ठीक चलेगा, तो कहीं ना यहीं पर बिग बॉस खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थोड़ा टल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज साजिद खान, अर्चना तो आपको पता है सुनने को तैयार नहीं, मानती किसी की नहीं है। साजिद खान भाई अर्चना तुर को दंड करोगे, ये तू एक तीन काम करने बैठ करती, मैं क्यों काम करूँ, मैं नहीं करती, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी, जो मुझे करना है मैं तो वो करूंगी। वो कह रहा नहीं तुझे करना पड़ेगा, कहता मैं तो मैं नहीं करती, जो करना कर ले, कहाँ का राजा तो मुझे नहीं पता, कहाँ का राजा, मैं रानी हूँ अपने दिल की, मैं रानी हूँ, मैं काम करूंगी। तो साजिद अर्चना की अच्छी अच्छी लड़ाई देखने को मिल जाएगी। दूसरा, साजिद खान को कितनी बार सलमान भाई में भी बिग बॉस भी वार्निंग दे चुके हैं, वो फिर सिगरेट पिएगा और ऊपर में सिगरेट पी रहा होगा, बिग बॉस सबको इकट्ठा कर लेंगे गार्डन रूम में। भाई ऐसा है कि इस टाइम मैं तुम्हें अनाउंसमेंट करने लग रहा कि मुझे खुशी हो रही है, तुम्हारा सीजन अच्छा चल रहा है, बढ़िया चलता है, शायद एक्सटेंड हो सकता है, पर मैं मुझे ये कर रहा हूँ कि भाई ये जो साजिद खान को कैप्टन बनाया था, मैंने सोचा था एक्सपीरियंस बनता है बहुत बढ़िया करेगा, इसको मैं अभी फायर करता हूँ। बोल बोल थक गया कि बार स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फिर बाकी की तरफ से क्या रोकना है, ये खुद स्मोकिंग कर रहा है बाहर एरिया में आके। तो कल और उसके जितनी इसको पावर्स दी गई है, जो राजा बनाया गया सब खत्म, जो उसके साथ में के वो अपने बंदे थे जो उनसे फेवरेट थे, जो काम नहीं कर रहे थे वो भी खत्म, अब सब घरेले काम करेंगे और सबका काम करेंगे। और उसने साजिद खान को आज साजिद खान फायर हो जाएगा अपने कैप्टनसी से लेके। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए माया प्रिकट।